सो वेलकम बैक गाइस, की हालचाल सब तो फुल सारे बढ़िया होंगे। अगला ट्रैक नो नेम ईपी जो एवरीबॉडी हर्ड्स, सिद्धू मूसेवाला जेबी द म्यूजिक। ओके, नवे नवे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स भाई काम कर रहे हैं, मतलब वाइब वास्ते वो नवे ने, पर उन जे मैं जेबी होर दे गाने सुने हुए ने, नाइस बंदा म्यूजिक सोना करता है। तो देखिए नवी कोलैबोरेशन की लेके आउंदी है, एवरीबॉडी हर्ट्स के सारे ही दुखी करते ने। सुनिए भला की चीज है। थोड़ा सैड या रोमांटिक टाइप फील आ रही है अभी तक। आसे पासे में क्या बात है, टर्न 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 करके खत्म हो जाएगा, बड़ा मजा आया। आसे पासे में लेने पर फील अलोन करा, कोई फोन ता दो दो ने पर किनू फोन करा। ओके, मतलब काइंड ऑफ भाई ने यह दसिया कि जो कला होंगे जो अलोन फील होंगे तो कि थॉट्स अपने दिमाग च लिया है, कुछ उदा की चीज लगती है। सब कुछ तो हो गया है, तेन की नहीं लगता, बाकी तो खैर कुड़े नी मेरा जी नहीं लगता। अच्छा, मतलब यार ये गल तो सच है कि दुनिया च ना हर इंसान कदी ना कदी कला फील करता, कदी ना कदी वो ऐदा भी फील करता होगा कि क्या यार इन्ना कुछ, इन्ना पैसा, इन्ने कोठियां कारा सारा कुछ हैगा, बट फिर भी मैं कला क्यों हाँ, क्यों मेरे नाल दे बंदे या कुछ भी है मेरे फुद हरकत करते कले। मतलब चलो जे भाई मेनू देखता है तो मतलब मेरा पूछना फर्ज आ, जे देखता बाई चांस, ठीक है, चलो तुम सारे भी देखते ही हो। मैं ये गल कहना चाहूंगा कि जे ये गल कोई लिख रहा है मतलब यह है कि वह दिमाग च आई है गल, कुछ ना कुछ वाइब, मैं वाइब गाने की इन्नी ज्यादा सैड फील हो रही है सीरीयसली कि सिद्धू मूसेवाले का मैं कभी कोई इन्ना सैड ट्रैक सुनया नहीं है, इन्ना सॉफ्ट जहा ट्रैक कभी मैं सुनया नहीं है। हाँ आए ने काफ़ी गाने आए ने पिछे भी, बट फिर भी यह गाना एक अलग है, इट्स डिफरेंट, ठीक है। मतलब कुछ तो पंगे है यार, मतलब इन्ना भी सुसाइडल थॉट तक, ठीक है, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਫੁੱਦੂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਕਿਉਂ ਆ। पर मैं तुम्हें दस दूंगा कि एक हर किसी की लाइफ से सारा कुछ है, चाहे किसी को पैसा ज्यादा है, चाहे किसी को पैसा ना बराबर है, हर एक बंदा अपनी लाइफ च एक ना एक बारी सोचता है कि यार जी मैं मर जावा या मैं सुसाइड कर लूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स हल हो जाएगियाँ, या मेरे नाल वाले सौखे हो जाएंगे कि चल यार, मतलब मैं जो पंगे क्रिएट कर रहा हूँ उन्होंने चीज़ों तो, ठीक है। कई बार बंदा यह सोचता कि यार मैं तो अपने वालों सारा कुछ सही किया, बट सही हो ही नहीं रहा, होंदा ही नहीं सही, कोई ना कोई तंग ही तो दुखी ही होंदा तुहाडे तो, ठीक है। तो पर फिर भी यार मतलब सुसाइड एक हल नहीं है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲੇ ਖਲਾਕ ਚ, ਆਉਂਦੇ ਨੇੜੇ ਐ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਸਭ ਇੰਨਾ ਜਾ
क्या बात है यार, क्या बात है। कोई वीक ना समझ लवे तां हसदा रहना है। मैं सीरियसली कहना चाहूंगा कि जी बी वीरे तुसीं बहुत सोहना म्यूजिक किया, बहुत सोहना। बिल्कुल भी मतलब म्यूजिक तंग नहीं कर रहा, ऐसा फील हो रहा कि हाँ एक्चुअल इस गाने वास्ते इस तो वधिया म्यूजिक नहीं हो सकता। ये मैंने बहुत घट गाने जो मैंने इदा का फील होंदा, मतलब मैंने सीरियस इदा फील हो रहा कि यार बहुत ही प्यारा गाना बनाया, बहुत ही प्यारा गाना बनाया। सब भुलना चाहना आया सिद्धू मूसे वाले दा दिल ली नहीं लगदा बाकी ता खैर कुड़े बाकी ता खैर कुड़े मेरा जी नहीं लगदा बाकी ता खैर कुड़े मेरा जी नहीं लगदा। बेरंग जी दुनिया दा इंप्रेशन लगदा है, चुप इन्ना ज्यादा हाँ डिप्रेशन लगता है, लगता है जज्बातों का कोलाइड हो गया है। मैनू माफ करी जिंदगी सुसाइड हो गया, मैनू माफ करी जिंदगी सुसाइड हो गया। अलविदा। इट इज ओके टू नॉट बी ओके, इट इज ओके यू आर नॉट अलोन, इट इज ओके to ask for help। यही चीज़ें ने यार हमेशा, मतलब मैं वही कल गई है ना पहला कि सुसाइड एक हल नहीं है, तो दिमाग से सब दिया होंगे ठीक है, बट एक हल नहीं है। प्रॉब्लम्स चो निकलना ही हल होंगे, सानू आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पैदा ने। सानू जे कोई इंसान थोड़ी लाइफ से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कुछ कर रहा है, किसी ना किसी तरीके ना इंसान तो दूर हो। जे कोई चीज थोड़े लाइफ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उस चीज़ तो दूर हो या उस चीज़ को हल करो ठीक है। कुछ भी करके किसी भी तरीके ना हल करो मसला। ये नहीं है कि मैं सब कुछ छड़ चलिया, असी सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर च बाकी सारिया खुशियां छड़ देते हैं। सानू ये होंगे कि हमेशा विन 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 विन, नहीं लूज भी होएगा लर्न भी होएगा सारा कुछ होंगे। हमेशा जे थोड़ा इदा लगता ना थोड़े आले दुआले का थोड़ा कोई बंदा नहीं समझ रहा है ठीक है, तो डॉक्टर्स है चल कई लोग ने डॉक्टर्स तक जान जोगे भी नहीं है, उन्होंने इन्नी मनी नहीं हैगी कुछ है प्रॉब्लम, तो तुम जिमें कह सकते हैं ना कि कोई वैसे ही सपोज करो कोई बंदा सड़क से तुरता जा रहा है ठीक है, थानू लग रहा है कि बंदा ठीक है या कुछ जिमें भी है, मतलब कई बार आप देख के तो लगता ना यार बंदा वधिया होगा, तुसी किसी ना भी गल करो पर गल करो चुप ना रहो। जे थानू हर किसी की लाइफ कोई ना कोई तो एक फैमिली मैंबर एक बंदा यह जहाँ होंगे जो लगता कि यार बंदा बड़ा वधिया ठीक है, चाहे वह भैन भाई हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई लाइफ पार्टनर हो, कुछ भी हो, यार हो, गल करो दसो कि मैं आह दिक्कत आ, मैं इदा फील हों, मैं इदा है यार इदा इदा मैं दुखी हाँ, गल करोंगे तो हल निकलूगा ठीक है। बाकी दैट्स ऑल, बहुत ही प्यारा ट्रैक, बहुत ही वधिया ट्रैक। ये ट्रैक मैं सीरियसली कहूँगा वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स एवर बाय मूसेवाला ठीक है, बहुत सोहना भाई ने गाना लिखा। तो दैट्स ऑल, मिलते सीधी नवी रिएक्शन, सत श्री अकाल।